आर यू लुकिंग फॉर अ वाइट बोर्ड जिसमें आपको वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिले? और क्या आप चाहते हैं कि जो आप ज्योमेट्री के शेप्स बना रहे हैं वो आप कुछ टूल्स की हेल्प से बहुत इजीली ड्रॉ कर सकें? इसके अलावा जो आपका रिटन टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रहा है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही व्हाइट बोर्ड के बारे में सीखेंगे जिसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक इनोवेटिव लेक्चर या क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग क्लास के लिए टीचर्स यूज कर सकते हैं। इस व्हाइट बोर्ड का नाम है ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड क्या है, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओपन बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए वील गो टू गूगल और वहां हम टाइप करेंगे ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर, तो ये विंडो हमारा ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पर आप जो पहला ऑप्शन है ओपन बोर्ड द बेस्ट इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पे दिस विल डायरेक्ट अस टू दिस विंडो ऑफ ओपन बोर्ड। यहाँ आप इसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट विंडो जहाँ पे इसने हमें डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड ओपन बोर्ड, तो तीन ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। एक है मैक के लिए, सेकेंड इज फॉर विंडोज 7, 8, 10 एंड Ubuntu। लेट्स डाउनलोड फॉर विंडोज, सेव दिस इन। ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो दिस कंप्लीट्स और सेटअप एंड दिस विल लॉन्च और ओपन बोर्ड। सो हियर यू कैन सी आपका जो ओपन बोर्ड है वो खुल गया है। ऊपर के हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ आपको स्टाइलस के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ आपको ये 5 कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। देन कम्स योर लाइन्स, यहाँ पर इरेजर के 3 साइज हमें मिल रहे हैं। देन कम्स योर बैकग्राउंड, अंडू ऑप्शन, रीडू ऑप्शन, एडिशन ऑफ पेजेस, प्रीवियस बैक नेक्स्ट पेज, इरेज ऑप्शन, वेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन स्टाइलस। तो यहाँ आपको नीचे ये टूल्स मिल रहे हैं फॉर एनोटेशन। तो पहला है आपका पेन ऑप्शन विच यू कैन यूज टू राइट व्हाट यू वांट टू। देन कम्स योर इरेजर ऑप्शन, और यहाँ पर ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं साइजेस इरेजर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है आपका हाइलाइटर, यू कैन जस्ट हाईलाइट व्हाटएवर यू वांट टू। देन कम्स योर कर्सर, ये टूल है इंटरैक्ट विथ आइटम्स, इसका क्या यूज है हम आगे देखते हैं। देन कम्स योर स्क्रॉल पेज, जैसे हमें पेजेस को स्क्रॉल अप एंड डाउन करना है, कंटिन्यूटी में हमें लिखना है और ऊपर नीचे यदि हमें स्क्रॉल करना है पेज को, तो इस टूल की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। देन कम्स योर जूम इन ऑप्शन एंड इसके बगल में आपका जूम आउट ऑप्शन, दिस इज योर वर्चुअल लेजर पॉइंटर। तो ये है हमारा लेजर ऑप्शन जिससे हम बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बगल में आता है हमारा लाइंस, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द लाइंस। जनरली जो ग्राफ्स बनाते हैं या ज्योमेट्री में भी बहुत सारी जगहों पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक तो सर्कल बनाना और दूसरा लाइन ड्रॉ करना। चाहे आप पेन टैबलेट से करें या माउस से करें, लाइन बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि वो सीधा नहीं बनता है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि हमें यहाँ पे यह चॉइस मिल रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं लाइन की भी हमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, ये हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स, तो चाहे तो हमें जैसे कुछ लिखना है यहाँ पे तो वो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में भी हमें ऑप्शंस यहाँ मिल रहे हैं, जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, साइज हम बढ़ा सकते हैं अपने टेक्स्ट का, कम कर सकते हैं। देन द कलर ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। अब इसके बाद ये जो आप टूल देख रहे हैं ये हमारा सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्ट करने पे हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐड टू करंट पेज, ऐड टू न्यू पेज एंड ऐड टू लाइब्रेरी। सपोज हमने कोई एक डायग्राम बनाया और वो डायग्राम हमें 2-3 जगहों पर
फॉर अ रेफरेंस यूज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक पेज पर, और जो दूसरे तीसरे पेज पे हमें उसके रेफरेंस में कोई चीज बताना है तो हम उस डायग्राम को वहां पर भी यूज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा आ रहा है दिस इज योर वर्चुअल कीबोर्ड। तो ये हमारे थे कुछ एनोटेशन टूल्स। यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड करते हैं इसमें। तो ये देखिए हमारा ये न्यू पेज ऐड अप हो गया है। इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। लेट्स यूज दिस वन। लेट्स ऐड वन मोर पेज हियर। और इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं इस पेज का। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है जब हम प्लेन व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, या तो वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है। तो लाइंस हमें एक प्रॉपर आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से हमको लिखना है। ओपन बोर्ड के सारे फीचर्स एक वीडियो में इंक्लूड करना मुश्किल है, इन्हें हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम, सो दैट ओपन बोर्ड से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। इसके लिए यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज निधि, थैंक यू फॉर वॉचिंग।